नाज़रीन इस वक्त तो मौजूद हैं वक़ार हुसैन जो कि सीनियर ताजर रहनमा हैं लाहौर के और ये सदर हैं गुलबर्ग सेंटर के। आज हम उनके ऑफिस में हैं, आइए उनसे जानते हैं कि कोरोना के हवाले से आज वो निज़ाम टीवी को अपना क्या पैगाम देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वक़ार साहब। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना जो कि एक ख़तरनाक वबा की शक्ल अख्तियार कर चुका है, उससे हुकूमत की कारकर्दगी काफ़ी बेहतर रही है और हुकूमत के साथ ताजरों ने भरपूर तावन किया है। गुज़िश्ता दिनों 50 रोज़ा लॉकडाउन में ताजरों ने, खसूसी तौर पर ताजरों ने जितना नुकसान उठाया है, ये पाकिस्तान की तारीख में खुदा की तरफ से ये जो वबा आई है इसमें पहली दफ़ा 50 दिन ताजरों ने अपना कारोबार बंद किया है और अब ताजरों को काफ़ी अवेयरनेस आ चुकी है और वो अपने जो है मास्क भी लाजमी बना रहे हैं ग्राहकों को और ख़ुद भी और अपने मुलाजमीन को भी। प्लाजो मार्केटों में स्प्रे भी कराया जा रहा है और जो ग्राहक या जो लोग मास्क के बग़ैर तशरीफ़ लाते हैं उनको वो खसूसी तौर पर या मास्क मुहैया करते हैं या मना कर देते हैं दुकान में आने से। कोरोना नहीं है, अल्लाह मालिक है, हमें वो तो हिफाजत करेगा। ये गलत है, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि जनाब आप अपनी हिफाजत ना करें। हम इस वक्त अल्लाह की पकड़ में हैं और हमें चाहिए कि हर किस्म का जो भी SOPs है हुकूमत की तरफ से, जो भी डॉक्टरों की तरफ से जारी करदा अकामात हैं, उन पर मन वन अमल करें और अमल करके दूसरों को भी इसकी तकलीद का बताएं। और मैं हुकूमत से एक मरतबा फिर ये गुजारिश करूंगा कि कोरोना के मसले पर उन्होंने जिस तरह बिजली के बिलों में 3 माह के लिए रिलीफ दिया है, इसी तरह बाकी जो टैक्सीज हैं, वासा है, प्रोफेशनल टैक्स है, इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है और खसूसी तौर पर जो बजट आ रहा है उसमें खसूसी रिलीफ दे। और मैं हुकूमत के ये भी गुजारिश करना चाहूँगा कि वो जो कह रहे हैं ना शालमी में बहुत रश हो गया नारकली इछड़ा में, तो ये गौर करें कि वहाँ अगर 10,000 हार रोड या शालमी या इछड़ा में नारकली में दुकानदार है तो उसके इर्द गिर्द 20,000 रिहायशी भी है। वो खाली ताजरों का राश नहीं है, वहाँ के 20,000 रिहायशी जो वहीं पे रहते हैं, वहीं से उन्होंने गुजरना है, वहीं से उन्होंने सौदा सेल्फ ख़रीदना है, उनका भी राश है। तो सारा ताजरों पर डालना भी मेरा ख़्याल है कोई नामुनासिब है, ये बेहतर नहीं है। ताजरों को इतना ज़ेर ज़मीन ना लाया जाए कि वो बेचारे पहले ही आपने चंद घंटे दिए हैं 7 बजे तक कारोबार करें, वो पूरे 7:45 बजे दुकानें बंद कर रहे हैं। आपने अहकाम दिए हैं कि जनाबी अली मास्क लगाए जाएं, स्प्रे कराए जाएं, वो बिल्कुल अपनी दुकानों पर मास्क खरीद खरीद कर रख रहे हैं। कुताखियाँ ज़रूर हुई होंगी लेकिन हुक्मरानों को ताजरों पर थोड़ा बहुत तर्स भी करना होगा। और जिन जिन ताजर तंजीमों ने ताजरों का खुलकर साथ दिया है लॉकडाउन में, और आप दूसरी तरफ उनका भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा। और दूसरी तरफ आप देखें कि ये ताजर और सनतकार हैं जिन्होंने लॉकडाउन में ईद के मौके पर, रमज़ान के मौके पर गरीबों में राशन दिए, हुकूमत को करोड़ों के चेक दिए, जो कमाई कर रहे हैं, जिन्होंने इतने इतने बड़े अस्पतालों में करोड़ों रुपया कमाया है, और दूसरी तरफ मेडिकल कंपनियां हैं, मेडिसिन कंपनियां हैं, मेडिकल स्टोर हैं, जितने करोड़ हर रुपया इन्होंने कमाया है, क्या उनकी तरफ से कोई पेशरत हुई है कि उन्होंने 10 रुपये का भी किसी को राशन दिया हो? किसी MPA MLA बुजुर्ग ने भी अपनी 1 माह की तनख्वाह माफ़ नहीं की। लिहाजा ये बात मलहूज़ खातिर रखी जाए कि ये ताजर और सनतकार ही हैं जिन्होंने हर मौके पर, चाहे वो जंग हो, सैलाब हो, जलजला हो,
और मौजूदा कोरोना हो, उन्होंने ही बाढ़ चार कर अपनी जेबों में से पैसा निकाला है। आज किसी जागीरदार की तरफ से ये ऐलान आपने नहीं सुना कि हम भी कुछ दे रहे हैं। ये सिर्फ ताजर है जो मुल्क की रौनक है, मुल्क को रौनक बख्शने वाला है, तजारत कर वो खाली खाता नहीं बांटता भी है। और ये मलहूज खातर रखें कि ताजरों के साथ जिस गुमन ने तावन किया है, ये ताजर मुल्क की रौनक हैं, शहर की रौनक हैं, और इनके साथ तावन जो गुमत करती है वो फलती फूलती है और उसके साथ ताजर भरपूर तावन करते हैं। ताजर नहीं चाहते कभी भी किसी हुकूमत के साथ मुहाजर आई, लिहाजा मौजूदा हुकूमत के साथ वो भरपूर तावन कर रहे हैं। और कोरोना के मसले पर और बजट के मसले पर मौजूदा हुक्मरानों को, ताजरों को भरपूर रिलीफ देने की ज़रूरत है। शुक्रिया। सऊदी अरब पर रियाज भत्ता नज केरला मार्केट सफा मक्का अस्पताल के करीब हशाम ओकला फार्मेसी आपकी खिदमत में पेश पेश। हर किस्म की म्यारी मेडिसिन पर 10% डिस्काउंट हासिल कीजिए। राबते के लिए 2766556। बेहतरीन मेडिसिन का मरकज।